जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक राशिफल यानी डेली राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके सितारे, उसको प्रारंभ करने से पहले आसमान में जो ग्रहों की आज की स्थिति है उसके बारे में आपको बताता हूं। आज का जो ग्रह गोचर है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है। तो इस समय सूर्य देव और चंद्र देव दोनों ही मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, जबकि शुक्र देवता अपने ही घर में यानी वृष राशि में विराजमान है। मिथुन राशि में राहु महाराज विचरण कर रहे हैं, जबकि केतु महाराज का जो विचरण हो रहा है इस समय वो धनु राशि में है, और शनि देव जी अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में हैं। उनके साथ ही उनके मित्र मंगल देवता उच्च के होकर ही मकर राशि में विराजमान है, और वहीं पर मंगल देवता के मित्र परम मित्र देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में ही विराजमान है, किंतु वो नीच भाव में प्रवेश कर गए हैं। और आपके जो बुध देवता है वह भी नीच भाव में यानी मीन राशि में विराजमान है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 23 अप्रैल सन 2020 गुरुवार का दिन है। जो हमारी हिंदू धर्म तिथि है वो शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हुआ है आज, वैशाख मास के और प्रतिपदा तिथि है। आसमान में अश्वनी नामक नक्षत्र है और प्रीति नामक योग बन रहा है। राहु काल 1:57 से लेकर 3:35 तक दोपहर में रहने वाला है। इस समय के दौरान सभी प्रकार के शुभ कर्म वर्जित बताए गए हैं, तो आप इस समय किसी भी प्रकार के शुभ कर्म प्रारंभ ना करें। तो भक्तगणों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो तैयार किए थे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से वरदान हैं, कौन कौन से शाप हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, उन वीडियो के टाइटल जो है वो फेमस टाइटल जो है वो इस प्रकार से हैं। हालांकि ये वीडियो तकरीबन 45 वरदान के ऊपर है और 45-44 वीडियो जो है हमने शाप के ऊपर बनाए, जो हमारी बहुत दिनों की मेहनत और रिसर्च का परिणाम है। तो आप इन वीडियो को देख के आप स्वयं जान सकते हैं कि परमपिता परमात्मा ने आपके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप आपको कौन कौन सा वरदान दिया हुआ है आपकी जन्म कुंडली में जो दृष्टिगोचर होता है, या कौन कौन से शाप आपको मिले हुए हैं जो आपकी जन्म कुंडली में दृष्टिगोचर होते हैं, जो कि आपके पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप आपको मिले हैं। तो आप इन वीडियोस देख के अपने आप ही पता लगा सकते हैं आपके पाप कर्मों का फल शाप के रूप में मिला है या आपके पुण्य कर्मों का फल आपको वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है इस जन्म में। साथ ही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों के बार बार रिक्वेस्ट के परिणाम स्वरूप आपके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। उस मोबाइल ऐप में मैंने उन सभी लोगों के लिए जो फ्री में उपाय जानना चाहते हैं, डायरेक्टली उनको कोई कुंडली नहीं दिखानी है, वो केवल फ्री में उपाय जानना चाहते हैं अपनी परेशानियों के, तो उन परेशानियों को उपाय बताने के लिए मैंने यह शनि मंदिर की तरफ से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो की, आप वहां जाकर इस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के पश्चात अपनी जो भी प्रॉब्लम है स्वामी प्रिंस ऋषि साधक या साधिका जी को दिखाएं, लिख के भेज दें, तो आपको स्वतः ही जवाब आ जाएगा। किंतु उन्हीं में से कुछ लोगों को मैं स्वयं अटेंड करता हूं और अपने असिस्टेंट के थ्रू आपको वीडियो कॉल, फोन कॉल या पर्सनली मिलकर मदद देने का प्रयास भी करता हूँ।
इसके साथ ही जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमें, तो वो लाल बटन को दबाकर उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें हमें प्रेरणा देती हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट निकाल कर लाएँ और आपको ज्ञान प्रदान करें, या आपको जो हमारे पास अपनी जो बेस्ट नॉलेज है उसके अनुसार आपको मदद पहुंचाने का प्रयास करें। तो बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की, तो सिंह राशि वाले लोगों का जो समय चल रहा है वो उनके भाग्य की वजह से उनके उत्साह को बढ़ाने वाला है, उनके जीवन में खुशियां लाने वाला है। कोई सरकारी शुभ सूचना, नौकरी इंटरव्यू, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट या कोई टेंडर इत्यादि की मिलकर उनको खुशियां दे सकती है। समय जो चल रहा है उसके अनुरूप तो उनके फेवर का ही टाइम है। बात करते हैं परिवारजनों के साथ, आपके संबंध निश्चित रूप से आपका नुकसान कर रहे हैं, वहाँ उलझनें क्रिएट हो रही हैं और आम आदमी को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो निश्चित रूप से भाई बहनों के साथ आपके संबंध, आप अगर उनकी सलाह मानकर अगर आप कार्यस्थल में कुछ भी बदलाव करेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो निश्चित रूप से चाहे आप नौकरी पेशा चाहे व्यापारी, आपको लाभ की प्राप्ति होगी भाई बहनों की वजह से। बात करते हैं माता के आशीर्वाद की वजह से, माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस समय आप अपनी माता का और अपने जीवन साथी दोनों का विशेष रूप से ख्याल रखें, उनको जो बीमारी की संभावना बनी हुई है उसके बारे में सचेत रहें और समय से पहले ही मतलब फर्स्ट स्टेप पर ही उनको इलाज करा दें ताकि वो शीघ्र ही ठीक हो जाए। बात करते हैं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का मन इस समय पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है और मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे चलकर क्या करेंगे, अपना करियर कैसे बनाएंगे, क्या सब्जी का ठेला लगाकर सब्जियां बेचेंगे। कृपया माता पिता और स्टूडेंट ध्यान दें, अगर आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी कम नंबर आते हैं या फिर उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, ऐसे सभी माँ बाप को हम गारंटी देते हैं कि अगली बार से आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में भी लगेगा और गारंटी से उसके नंबर भी पिछली साल से ज्यादा आएंगे। जरूरत है आपको उसके लिए साल में एक बार छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय करवाने की, जिसकी हम गारंटी आपको दे रहे हैं। बात करते हैं शत्रुओं की, तो शत्रुओं की वजह से इस समय आपको भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है, अपने शत्रुओं से सावधान रहें, वो आपका नुकसान करने की भरसक प्रयास करेंगे, किंतु आप शत्रुओं पर अगर काबू नहीं पा पा रहे हैं, उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे और शत्रुओं की वजह से हर समय आपको भय लगा रहता है, तो बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें, हम निश्चित ही आपकी मदद कर आपको स्ट्रांग बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे और आपके शत्रुओं को बांधने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं जीवन साथी की, तो अगर आपकी शादी ही नहीं हो रखी है, रिश्ते वाले आते तो हैं मगर रिजेक्ट करके चले जाते हैं, शादी की उम्र निकले जा रही है, अड़ोसी पड़ोसी अंकल आंटी कहकर छिड़ाने लगे हैं, तो ऐसे सभी युवक युवतियों से मैं कहना चाहूंगा या उनके घर वालों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर बार बार ऐसा कुछ हो रहा है तो आप निश्चित जान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है। जब तक आप उसका निराकरण नहीं करेंगे उन ग्रह दोषों का, तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं निकलेगा, या फिर अपने आप उस स्थिति में निकल सकता है जब आसमान में जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो आपके ग्रहों के अनुकूल हो जाए, उस स्थिति में घर बैठे ही आपकी शादी हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, किंतु आप उस समय तक की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो समय पता नहीं कब आएगा, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे आसान उपायों के द्वारा जो साल में एक या दो बार ही करने होते हैं उनके द्वारा अपने जीवन में भरपूर खुशियां लाने का प्रयास करें और शादी का लड्डू यानी जीवन साथी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था, 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर,
लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरुजी के थ्रू, तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना, अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने, मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। अगर आपकी शादी हो रखी है और दैनिक जीवन में जी पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है, तो पहले तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें आप। मैं आपको वार्निंग दी, आजकल उनके स्वास्थ्य के प्रति अड़चन हो रही है। बात करते हैं आप लोगों के बीच में उठ रही लड़ाई झगड़ों की, वाद विवाद की, जिसकी वजह से आपके और आपके जीवन साथी के मध्य रोजाना तनाव पैदा होता है। तो इन तनाव के को कम करने के लिए, इन लड़ाई झगड़ों को कम करने के लिए आप जीवन साथी से संबंधित रतन की एक अंगूठी को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर अवश्य ही धारण करें। निश्चित रूप से धीमे धीमे करके आप लोगों के बीच के जो लड़ाई झगड़े हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशी आने लगेगी। यह अंगूठी घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमें अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, तो हम आपकी जन्म कुंडली देखकर आपके साइज के अनुसार यह अंगूठी बनवाकर मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा और जागृत करवाकर पूरी दुनिया में आप जहां भी जाएंगे वहां पर आपको भेज देंगे। बात करते हैं भाग्य की दृष्टि से, तो भाग्य आपको फुल सपोर्ट कर रहा है, भाग्य का आशीर्वाद लेकर। शायद कहीं आपको आने जाने की भी जरूरत पड़े, सावधानी बरतते हुए जहां भी अगर आप बाहर जाने का प्रयास करें सावधानी बरतनी अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं कार्यस्थल के हालात, जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई बहनों की वजह से आपके कार्यस्थल के हालातों में सुधार होगा, किंतु आमदनी के प्रति बहुत सचेत रहें, क्योंकि आपकी आपकी आमदनी आपको खराब होने की संभावना स्पष्ट रूप से दिख रही है। आपके परिवारजनों की वजह से आपकी आमदनी में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो आप पूरा प्रयास करें कि कोई आपकी आमदनी को बांधने का जादू टोना पूजा पाठ के इत्यादि से प्रयास ना करें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, महसूस कर रहे हैं, तो आप बिना किसी जेब के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित करें। बात करते हैं सिंह राशि वाले युवक युवतियों की, जो प्रेम संबंधों में निराशा फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कोई सामने वाला उनसे चीट कर रहा है, उन्हें धोखा दे रहा है, उनके उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया है, या आपसी लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि सहना असंभव सा होता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि उन प्रेम संबंधों का क्या होगा। तो ऐसे सभी युवक युवतियां जो प्रेम संबंधों में निराशा का अनुभव कर रहे हैं, इनके प्रेम संबंधों में खटास आ रही है या कोई और परेशानी हो रही है, तो ऐसे युवक युवतियां बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटा सा उपाय जो आपको हाथ में ही स्पष्ट दिखाई देता है, उस उपाय के द्वारा आप अपनी प्रेम संबंधों में खुशियां धीमे धीमे करके वापस प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आपने कोई मुर्गों की बलि देकर बेवकूफ नहीं बनना है, कोई बकरों की बलि देकर बेवकूफ नहीं बनना है, कोई उल्लू मंगवाने जैसी बात करके आपको बेवकूफ नहीं बनाना है। यहां तो प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा आपको मदद पहुंचाने का प्रयास भर होता है। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।